वेलकम बैक। वी हैव सम ब्रेकिंग इनपुट्स कमिंग इन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंच चुके हैं नई दिल्ली G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए। इसकी तस्वीरें भी आप सामने आने लगी हैं। धीरे धीरे एक एक करके तमाम मेहमान अब नई दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां G20 में वो हिस्सा लेंगे और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां भी नई दिल्ली में जोरों पर है। सौंदर्यकरण के अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी जगह जगह नजर आ रही है। कमांडोज को तैनात किया गया है और जहां ये विदेशी मेहमान रहेंगे, जिन होटल्स में रहेंगे, उन्हें भी खास तौर पर सजाया गया है जहां इन्हें एक भारत के कल्चर और परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। तो मेहमानों के आने की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें जो हैं वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के आगमन की इस वक्त आ रही है। अल्बर्टो फर्नांडिस नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बार दरअसल भारत ने न सिर्फ G20 के मेंबर्स को लेकिन जो नॉन मेंबर्स हैं उन्हें भी न्योता भेजा है। कई देशों को न्योता भेज करके भारत ने एक तरीके से ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि जब बात विश्व की आती है तो हर किसी को एकत्रित होकर एक साथ होकर बात करनी चाहिए। तो अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो फिलहाल पहुंच गए हैं। इंतजार हो रहा है जो बाइडन का, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का, और आज बायलैटरल्स भी कुछ होने वाले हैं जिनमें शाम 7:45 पर जो बाइडन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, एक तरफ इंतजार मेहमानों का हो रहा है और कौन कौन उस सूची में वो आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर क्या तैयारियां हो रही है तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, द अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट हैज अराइव्ड। द अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट अराइव्ड, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स दिस मॉर्निंग टू टच डाउन दिल्ली, एंड देयर विल बी अ स्लू ऑफ लीडर्स हु विल बी रीचिंग दिल्ली टुडे। ऑलमोस्ट ऑल द इनवाइटीज एंड द गेस्ट मेंबर्स हु आर पार्ट of G20 summit this year would be in Delhi by end of the day, barring few. For example, German Chancellor would be reaching tomorrow morning. So will be the French President, these two leaders will be reaching early tomorrow morning to attend the G20 summit. But today we'll have Argentinian President who has just landed. We'll have Rishi Sunak, the UK Prime Minister, landing in afternoon. We'll have the Australian Prime Minister landing this afternoon. By evening, we'll have US President also who will be here in Delhi. So a slew of leaders will be landing now in Delhi, and Delhi, as you mentioned, is all decked up to welcome these dignitaries to host the 18th G20 summit, chaired and hosted by India.